बहुत ज्यादा जनाब माल सेल किया मैं 55-55 हज़ार का ले ला 60-60 हज़ार का ले ला मैं बेचा ठीक है। तो पट्ठा भी मैं बड़िया बेचिया ने ले लिया बड़िया बेचिया ने अपन मशीर मेरी 4 मशीर 4 मशीर ने वेख ले ली दी है बहुत अल्लाह पाक का शुक्र अलहमदुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ यानी कि रोजाना तकरीबन 2.5 किलो 2.5 किलो दे हड़दी है। वो बकरी सर केड़ी है? बकरी है दो बच्चे दीते हैं माशाल्लाह। तो एक दिन का 2.5 किलो दुध दे रही है माशाल्लाह जी सोहनी बकरी है। तो हूँ अगू क्रॉस हो कि नहीं? हले क्रॉस नहीं हुई ठीक है। तो सर जो बकरी तुसी पहली दफा क्रॉस कराते हो उदो की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए है? उम्र की उम्र कम से कम 13 महीने 14 यानी कि 1.5 साल की होगी। तो फिर 1.5 साल की इस तो पहले नहीं करानी? पहला नहीं करानी। कुछ दोस्त होंगे ने वो कहते हैं कि जल्दी तू जल्दी ये तू बच्चे लिए बच्चे जो जल्दी तू जल्दी लेंदे ने ना वो बकरी जी पट्ठ कूलिया नवे करा छड़ी ना वो ठीक नहीं रहती है। किसान जिंदाबाद या अली। एक जनाब ले ली ले 9 साल हो गए ने बड़ा इजाफा उसे तो मालिक ने दिता है मैं बहुत ज़्यादा। एक ले ली तो बड़ा वाधा होया बकरियां बकरे बड़े में बेचे ने मालिक का बड़ा शुक्र है बहुत ज़्यादा ठीक है। तो बहुत मेरा मालिक सोना टाइम पास करता पै लिहाजा मैं पहला ड्राइवर हाँ ट्रैक्टर का ठीक है। मैं 18-20 साल ट्रैक्टर चलाया उस तो बाद मैं इंजे मेरे माई हरी आने भी एक नंबर ले ली लिया दिता उन्होंने मैं ले ली लिया के दी इजाफा मालिक ने मैंने किया जनाब बड़िया मौजा लगे मालिक का बहुत शुक्र55-60 हज़ार ले लिया बड़िया बेचिया ने अपनी मशीर मेरी 4 मशीर 4 मशीर ने वेख ले ली दी है बहुत अल्लाह पाक का शुक्र अलहमदुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ बहुत बहुत अल्लाह पाक का करो। तो सर शुरू से तुहानू कोई अदे काम कोई परेशानी या कोई मुश्किल भी आई? कोई परेशानी नहीं कोई मुश्किल नहीं कोई गल नहीं कोई बात नहीं। इस काम च इजाफा किंज हुंदा? भले का भला ही बस। हाँ माशाल्लाह। हाँ भले का भला ही भला कर तेरा भी मालिक भला करे बेशक बेशक। ते सर है जड़ी नसल तुसी रखी है बकरियां दी? देसी नसल है वाच सारियां देसी साफ देसी। ऐ जड़ी नसल तुहाडे कोल है अदी की हुबी है अदी की पहचान है अदे च की वाद है? बहुत वाद है दे दी रकम चंगी लभदी है दूध चंगा देनियां ने माशाल्लाह सोहणियां भी लगदियां ने रखियां दूसरा बंदा भी धक्के धक्के दा माशाल्लाह सोहणियां बकरियां रखियां ने देसी बकरी दा ए चीज टैडी बकरी ने जड़ियां लंघ दे वड़ दे जाया कि गंद रखे है जी यार। की ख्याल यानी कि अदी ज्यादा मांग है जी ते खूबसूरती भी ज्यादा खूबसूरती भी ज्यादा है दी मांग भी ज्यादा है दी रकम भी ज्यादा है ये बकरे जड़े होंगे ने उन्होंने भी रकम ज्यादा होंगी है टैडी बकरे की रकम घट होंगी है बकरी की भी घट होंगी। तो सर जी देसी बकरी है दुध भी दी माशाल्लाह बड़ा दुध दी है इन्हों की माँ ही ने जी मेरे को 3 किलो दुध दी जी। अच्छा इस टाइम तुहाडे कोल जी टॉप की बकरी है सब तो ज्यादा दुध देने वाली बकरी वो कितना दुध दे रही है रोजाना का? इस वेले जनाब 1.25 किलो टाइम का दुध दे रही है बकरी ओनू कितनी देर होगी सोया? 10 महीने हो गए। 10 महीने जी 1.25 किलो एक टाइम का या एक दिन का? नहीं एक टाइम का यानी कि रोजाना तकरीबन 2.5 किलो 2.5 किलो दे हड़दी है। वो बकरी सर केड़ी है? बकरी है दो बच्चे दीते हैं माशाल्लाह। तो एक दिन का 2.5 किलो दुध दे रही है माशाल्लाह जी सोहनी बकरी है। तो हूँ अगू क्रॉस हो कि नहीं? हले क्रॉस नहीं हुई। तो इन्हें पहले किन्ने सूए किए ने? पहले सुहास हुई है। अच्छा पहला सुहास हुई थी माशाल्लाह जी। तो सर जो बकरी तुसी पहली दफा क्रॉस कराते हो उदो की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए है? उम्र की उम्र कम से कम 13 महीने 14 यानी कि 1.5 साल की होगी। तो फिर 1.5 साल की इस तो पहले नहीं करानी? पहला नहीं करानी। कुछ दोस्त होंगे ने वो कहते हैं कि जल्दी तू जल्दी ये तू बच्चे लिए बच्चे जो जल्दी तू जल्दी लेंदे ने ना वो बकरी जी पट्ठ कूलिया नवे करा छड़ी ना वो ठीक नहीं रहती है वो कमजोरी उन्होंने पूछा जाए ठीक है कि कम से कम 1.5 साल की फिर क्रॉस कराओ फिर क्रॉस कराओ फिर बकरी जी अपना आप सामभ जाती है पहला जल्दी उन्होंने मतलब क्रॉस करा लो वो कमजोरी छा जाए जी। तो कि मौसम बेहतर है बकरियां क्रॉस कराने वास्ते? है यानी कि यह 9वां महीना जा रहा है बिल्कुल 8वें महीने जो हो जाए 9वें जो हो जाए 7वें जो हो जाए महीने जन क्रॉस हो जाए बकरी ठीक है। तो सुबह एक लेंदे हो या दो लेंदे हो साल जी जड़ी बकरी सुबह पे ना
वो दो भी दे सकते तो ठीक है। जी बकरी पहले मतलब पाठने होना है ना वो साल के मतलब डेढ़ साल बाद मतलब उन्होंने क्रॉस कराओ तो उसको सुवा लो अगू भावें साल दो दे एक दे अपनी यानी कि एक सुवा भी ला सकते हो दो भी ला सकते हो वैसे बेहतर एक या दो बेहतर ने एक बेहतर है वो किस लिहाज नाल वो फिर बकरी है भी अपना आप इन्हें जो साल जाती है सामभ जाती है हाँ बच्चे ने जोड़े तेज सियार हो जाते हैं तो जो दो सौ साल से लीए ना तो फिर बकरी भी गई तो बच्चे ने जोड़े वो भी नहीं पालते सही जी जी तो सर जी बकरी गब्बन होंगी है वो कोई तुम हास सेवा करते हो जी बड़ी सेवा करी दी है की सेवा करते हो बकरी जो नजदीक लगी है वे उन्होंने मेरा मतलब कोई तेल शेल कोई घ्यो देसी जी कोई दाना फका उन्होंने पाना पैंदा ठीक है अजकल इन्हों की रूटीन रखी है सुबह तो लैके अजकल जनाब सुबह तो लैके बारह बजे खोली देने शाम को घर खड़ी देने बाहर भी फिर के जाना नहीं तो बाहर ही आके खाना नहीं बस घर जाके कुछ खाना पानी नहीं पानी कोई पट्ठा नहीं कोई दाना नहीं कोई गल नहीं कोई बात नहीं तो साल के केड़े कोई ऐसे महीने या दिन ने पोत मां उदू की सेवा होंगी है उदू सेवा जनाब इन्होंने कोई दाना पक्का पाई दा जे घरों बहरों किकर बेरी मेरा मतलब बार जी भी कोई खाने वाली चीज़ इन्हें खान घरों कोई शायद नहीं कदम मेरा मतलब पाई दी है भी इन्होंने दिनों ते वो मां दे दाना पक्का जो पाई दे ठीक है जी ते कोई जानवर है ने जड़े छोटे लेले या लेलियां जड़ियां तुसी कोई सेल करनी हो नहीं जी कोई नहीं कोई नहीं है नहीं वैसे रेट की चलता है ना अज कल जो छोटे जा ने है जो ले ला जिन्हें मेरा अगले दिहाड़े मैं एक बंदा 22,000 रुपया देता पे तो मैं नहीं अदा वो उम्र की नहीं है यदि उम्र छे महीने वे भीर छे महीने की उम्र है तो छे सात महीने है छे सात महीने नहीं यार ठीक है मां मार गए दुद्ध को नहीं ठीक है अच्छा महीने माशाल्लाह जी सोना बकरा है यह जड़ा है अभी बकरा है कि बकरी बकरा है यदा किना रेट है यदा तो रेट मैं 50,000 दा भी देने चाहिए दंदा भी हां ओदी की वजह वजह नस्ल चंगी हां जी नस्ल दा रेट है जी क्वालिटी दा रेट है हां नस्ल ते चंगी नस्ल किनु कहंदे ओ भी कोई थोड़ा नस्ल है जी दसो हां थोड़ा दोस्तां नु सामने लिया के ਅਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਦੇਸੀ ਲੈ ਲੈ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਚੰਗੀ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਮ ਡੋਲ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜੇ ਉਮਰ ਇਹਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਕੋਈ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ 2.5-3 ਮਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਠ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਦੁੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਜੂ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾਂ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਖੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਸੜੀ ਦੀ ਸੁਬਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮੀ ਬੰਨ ਸੜਨੀ ਬਸ ਐਹੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਜੂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਕਰ ਬੇਰੀ ਝਾੜੀ ਕੁਮੈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਤੂਤ ਛੂਤ ਐਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਠੀਕ ਹੈ जी सर बहुत शुक्रिया तुसी अपना कीमती वक्त दिता है बड़ी अच्छी तुमदा गुफ्तगू की थी एक जोरदार नारा होइए पाकिस्तान जिंदाबाद या अली।